आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, जीओसी कहते हैं। कुछ लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में रखते हैं, लेकिन जिस भी कैटेगरी में रखो, ये बायोमॉलिक्यूल छोटा सा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। यानी यहाँ से आप आसानी से मार्क्स निकाल सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जो भी 5-6 क्लास लगेगा इस चैप्टर में, तो आसानी से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ एक पार्ट वैसे होंगे जो समझने वाला है, कुछ एक थ्योरेटिकल है, कुछ लगेगा कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंट है। बायोलॉजी में हम लोग जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट यहाँ डिस्कस करेंगे, या बायो में भी पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर बायोलॉजी में आपको बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का फंक्शन क्या है। हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं, किस तरीके का यहाँ पे लिंकेज यानी कि बॉन्ड बना हुआ है, तो वो डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर। लेकिन अंडर 10th क्लास तक में भी बायोलॉजी पढ़े हैं तो आपको लगेगा कि ये जाना हुआ है। अगर 11th-12th में भी अगर आपका बायो है तो वहाँ लगेगा कि इसमें हम थोड़ा ज़्यादा जानते हैं बाकी दूसरे के रिस्पेक्ट में। बायो मॉलिक्यूल्स ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। बायो, बायो का मतलब लाइफ होता है, लिविंग होता है, और मॉलिक्यूल यानी किसी भी सब्सटेंस का वो सबसे छोटा सा पार्ट जो एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट। अब कहता है कि वैसे केमिकल सब्सटेंस जो खुद लिविंग नहीं है वो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, उन्हें बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जैसे बायो मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे इसमें से हम लोग को सिलेबस के अनुसार से जो पढ़ना है उसके में पढ़ना है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में। ये सब बायोमॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं, ये खुद लिविंग नहीं है। विटामिन एक बोतल में रखा हुआ है, तो बोतल का लंबाई चौड़ाई वही का वही रह जाएगा, ना तो ये मोटा होगा ना तो पतला होगा। लेकिन ये विटामिन जब आपके बॉडी में जाता है तो आपके हेल्थ को ग्रोथ करता है, यानी कि इट इज़ इट सेल्फ नॉन लिविंग बट इट सपोर्ट द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। और बायो मॉलिक्यूल में जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। सुन लो फिर, सब उसके बाद लिखवा देंगे। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो का मतलब हो गया कार्बन और हाइड्रेट का मतलब हो गया H2O। कार्बोहाइड्रेट स्टार्टिंग के कई डेफिनेशन थे, उन सबको हटा करके जैसे स्टार्टिंग में कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विच है जनरल फार्मूला CnH2nOn। जिनका जनरल फार्मूला CnH2nOn हो उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा गया। कुछ एक में तो ये फिट बैठे भी, जैसे एक नाम आप सुने होंगे ग्लूकोज का, C6H12O6। देखो CnH2n का मतलब क्या हुआ, कार्बन का जो भी नंबर है हाइड्रोजन का नंबर इसका जस्ट क्या हो गया, दो गुना। तो यहाँ देखो कार्बन का नंबर अगर 6 है तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, दो गुना, यानी और फिर इसी के बराबर में ऑक्सीजन यानी कि 6 है। लेकिन कुछ जगह पर जाकर के फेल हो गया, जैसे शुगर का नाम आप सुने होंगे, शुगर C12H22O11। देखो तो इस पर फिट बैठ रहा है, कार्बन का जब 12 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था, 24, यानी कि इसके ऊपर में फिट नहीं बैठ रहा है। अगर इन दोनों को हम देख रहे हैं कि ये रेशियो ठीक हो रहा है लेकिन इसका गड़बड़ हो रहा है, 12 की जगह पे 11 होना चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। कुछ एक वैसे जगह पर अप्लाई हो जाता है जो और कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे एक नाम सुने होंगे आप एसिटिक एसिड का, CH3COOH। इनको कंडेंस्ड करके मॉलिकुलर फॉर्म में अगर लिखें हम लोग, तो देखो यहाँ कार्बन का एटम कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन 3 and 1, 4, और ऑक्सीजन का नंबर 2, यानी C2H4O2। देखो तो इस जनरल फार्मूला पर ये फिट बैठ रहा है, लेकिन ये खुद कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब इनको हटा दिया गया और इनकी जगह पर कहा गया कि जो भी बायो मॉलिक्यूल होंगे उनका जनरल फार्मूला CxH2OY होगा, यानी कि कार्बन और H2O का ये डिफर करेगा, तो उस कंडीशन में ये भी फॉलो कर लेगा। जैसे इसको अगर हमें करना होगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं C6H2O6। देखो तो ब्रेक करो तो H12O6 बन जाएगा, ये भी फिट बैठेगा। C12H2O11, देखो तो ब्रेक करो तो इसके ऊपर में फिट बैठेगा,
यानी कि यह हुआ। दूसरा, इनके स्ट्रक्चर को गौर से देखा गया, तो गौर से देखा गया तो ये पता चला कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, यानी कि ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, पॉली हाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब मेनी होता है, दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़े हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या फिर किस में रिप्रेजेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन, और इसमें हर एक में फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है, और द सब्सटेंस विच गिव सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस, या मान ले कि स्टार्टिंग में ये सब कुछ नहीं है, सारा प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये इस तरीके के प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड में टूट बन जाते हैं। अब फाइनली कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन क्या आया, कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन आया, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच गिव सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट एंड इट हैज जनरल फार्मूला CXH2O Y कहा जाता है। क्लियर है, अब इतना लिख, जिसमें से पहला क्लासिफिकेशन है ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस ये भी दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, हाइड्रो का मतलब वाटर और लिसिस का मतलब ब्रेक, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर के प्रेजेंस में टूटता है, ब्रेक करता है, देन द फेनोमेनन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। यहाँ कहता है कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के अनुसार से कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसके अनुसार से इन्हें मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड कहा गया है। वो कार्बोहाइड्रेट जो सिंपलेस्ट हैं, यानी कि जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, जो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, उसे मोनोसेकेराइड कहा जाएगा। इसके एग्जांपल में आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सभी लिख सकते हैं, ये मोनोसेकेराइड है, ये हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं। जो हाइड्रोलाइज होकर 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड देते हो, यानी कि ब्रेक करेंगे, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 10 भी बन सकता है, उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहा जाएगा। और इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी इसके एग्जाम्पल में आते हैं। और जहाँ पर मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड बनते हैं, जहाँ 10 से ज़्यादा बनता हो, उन्हें पॉली, पॉली का मतलब भी क्या होता है, मेनी, उन्हें पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ये सभी पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल में। फिर से सुनो, कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट का पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, यानी वो हाइड्रोलाइज होकर कितना प्रोडक्ट देगा। अगर हाइड्रोलाइज होकर एक ही दिया तो एक ही देने का मतलब वो नहीं हुआ, जैसे अगर इसको हम तोड़ना है तो सोचो, तो अगर ये टूटेगा तो कम से कम कितना बनेगा, 2, और अगर नहीं टूटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो जो हाइड्रोलाइज नहीं करेगा वो सिंगल यूनिट में ही रहेगा, तो उसे कहा जाएगा मोनोसेकेराइड, और जो ब्रेक कर 2 to 10 यूनिट्स का फॉर्मेशन करेगा उन्हें कहा जाएगा ओलिगोसेकेराइड, और जो मोर देन 10 यूनिट्स का फॉर्मेशन करेगा उन्हें कहा जाएगा पॉलीसेकेराइड। क्लियर है, अभी हम लोग पहला क्लासिफिकेशन पढ़े थे ऑन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, एक बार फिर से रिकॉल करो, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है उन्हें क्या कहा जाएगा, मोनोसेकेराइड, जो हाइड्रोलाइज होकर 2 to 10 यूनिट्स देगा उन्हें ओलिगोसेकेराइड, और जो मोर देन 10 यूनिट्स देगा उन्हें पॉलीसेकेराइड। टेस्ट के अनुसार से यहाँ दिया हुआ है, 2 कैटेगरी में बांटा गया, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर, शुगर का टेस्ट कैसा होता है, मीठा, यानी कि जो मीठा लगेगा वैसे सब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कभी आप टेस्ट किए होंगे तो ग्लूकोज इसी के एग्जाम्पल में आता है, फ्रुक्टोज यह भी शुगर में आता है, चीनी यानी कि सुक्रोज को भी रख सकते हैं, यह आता है नॉन शुगर, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन मीठा नहीं लगेगा, जैसे स्टार्च, ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं, पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज यह भी मीठा नहीं लगता है, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं तो क्लियर होगा। हम लोग जो चावल गेहूं खाते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो चावल गेहूं तो मीठा नहीं लगता है। सेलुलोज पाया जाता है जो हम लोग साग वगैरह खाते हैं,
जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, जो रफेज के रूप में काम करता है, वो भी तो मीठा नहीं लगता है, तो वो नॉन शुगर के कैटेगरी में आएगा, और जो मीठा लगेगा उसे हम लोग शुगर के कैटेगरी में। क्लियर है? थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन अकाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग नेचर, जिसके अनुसार से इसको बांटा गया, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर में यहाँ पर किसे लेते हैं हम लोग, दो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्जिलिक एसिड में आएगा, एक फेहलिंग सॉल्यूशन, इन्हें फेहलिंग रिएजेंट भी कहा जाता है, और दूसरा होता है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो यहां वो शुगर जो इनसे ऑक्सीडाइज हो जाए और इनको क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। जाहिर सा बात है, अगर इनसे कोई ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो जो फेहलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, या जो इनसे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उन्हें हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में फिर से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आ जाएगा, और जो इनसे रिड्यूस जिन जो इनसे ऑक्सीडाइज नहीं हो या जो इनको रिड्यूस नहीं कर सके, उन्हें कहा जाएगा नॉन रिड्यूसिंग। इसमें कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरा ये क्या कहा जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराया जाएगा। ये इनको ऑक्सीडाइज कर देगा और ये इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो जो इनको रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर, और जो इनको रिड्यूस नहीं करे उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल में देखिए इसका डेफिनेशन। चलो यहाँ ध्यान देना, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं ताकि याद रहे, चैप्टर खत्म हो तब इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग बात किए कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को कहा जाता है। क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन था ऑन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसेक्राइड विच गिव 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड विच गिव मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड। फिर आए इनके टेस्ट के अनुसार से, जो मीठा लगता है शुगर, और जो मीठा नहीं लगेगा उन्हें नॉन शुगर। फिर आया रिड्यूसिंग नेचर के अनुसार से, जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे या जो उनसे ऑक्सीडाइज हो जाए उन्हें कहा जाएगा रिड्यूसिंग शुगर, और जो इन्हें रिड्यूस नहीं करे उन्हें कहा जाएगा नॉन रिड्यूसिंग। ये क्लासिफिकेशन में इतना था। अब यहाँ पर हम लोग को मोनोसेक्राइड के बारे में बात करना है, यानी कि अब जो दो क्लास चलेगा वो मोनोसेक्राइड से ही रिलेटेड बात करेंगे। मोनो का मतलब भी होता है सिंगल, और सेक्राइड यानी कि शुगर, शुगर कंटेनिंग। तो मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, जिनको फिर आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जो पहले डेफिनेशन सीखे हैं वही यहाँ पर। खास क्या हो गया यहाँ पर कि मोनोसेक्राइड का स्टडी अगर करेंगे तो इसमें या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा रहेगा या फिर कीटोनिक ग्रुप लगा रहेगा। ये दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। अगर किसी में एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है तब इन्हें अल्डोज कहा जाता है, और अगर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है तब इन्हें कीटोज कहा जाएगा। यानी अल्डोज और कीटोज से आइडिया लग जाएगा कि एल्डिहाइड है उसमें या फिर कीटोन है। तो पहला ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। दूसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तब उसके अनुसार से इसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज कहते हैं। और यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, इसको पहले देखो। यहाँ कार्बन एटम का नंबर है, एनसीईआरटी बुक का है, उसी को यहाँ पर डालें। अगर कार्बन एटम का नंबर 3 है तो इन्हें ट्रायोज कहते हैं, 4 के लिए क्या कहा जाएगा, टेट्रोज, 5 के लिए पेंटोज, 6 के लिए हेक्सोज, 7 के लिए हेप्टोज। अब आगे अल्डिहाइडिक ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो अल्डोज कहा जाता है। तो अगर ये कहा गया कि 3 कार्बन एटम है और अल्डिहाइड प्रेजेंट है तो दोनों को मिला दो, तो अल्डोज का कौन सा पार्ट आ गया, अल्डो और ट्रायोल, यानी कि सब में अल्डिहाइडिक अगर है तो अल्डो अल्डो जोड़ दीजिए, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो वहाँ पर क्या जोड़ देंगे, कीटो कीटो जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ ये पता चल जाएगा। जैसे आप बताओ तो ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला बता सकते हो, क्या होता है, C6H12
O6 और फ्रुक्टोज का मॉलिकुलर फार्मूला भी C6H12O6 ही होता है, दोनों का एक ही होता है मॉलिकुलर फार्मूला। दोनों में डिफरेंस क्या है आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड पाया जाता है और फ्रुक्टोज में कीटोन पाया जाता है, कीटोनिक ग्रुप है। तो अगर इस सीक्वेंस के अनुसार से अगर इसका हम लोग नेमिंग करना चाहें तो देखो तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड, और कितने कार्बन एटम है, 6। तब इनका नाम क्या हो जाएगा, अल्डो हेक्सोज, अल्डो हेक्सोज। उसी तरह से बताओ तो कीटोन को क्या कहा जाए, कीटोनिक ग्रुप है तो इसलिए कीटो हो गया, और 6 कार्बन एटम है तो इन्हें हेक्सोज कहा गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया कि सर यहाँ 7 तक है, 8 भी तो हो सकता है, हो सकता है वैसे बढ़ा सकते हो, लेकिन जैसे ही आगे ज़्यादा बढ़ने लगेगा ना तो फिर ये टूट जाएगा, यानी कि हाइड्रोलाइज हो सकता है, और जब हाइड्रोलाइज होगा तब उसको मोनोसेकेराइड के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, तब वो किस में चला जाएगा, ओलिगोसेकेराइड में, और यहाँ हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, मोनोसेकेराइड। फिर कहो कि सर यहाँ 3 से शुरू हुआ है, 2 नहीं रह सकता है क्या, अगर 2 रखोगे तो डिफिनेशन जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। डिफिनेशन कहता है पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए, तो एक तो कार्बन चला गया अल्डिहाइड या कीटोन के लिए, तो बाकी कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए ना, तभी तो मोनो एक से ज़्यादा बनेगा वो, इसलिए 3, 4, 5, 6, 7 होता है। अब ये टेबल को आप नोट कर लीजिए और हम समझते हैं कि याद भी हो तो कॉपी कर। अब मोनोसेकेराइड में जो सबसे पहला मोनोसेकेराइड हम लोग को पढ़ना है वो ग्लूकोज। अब ग्लूकोज डिटेल से चलेगा, ग्लूकोज का प्रिपरेशन, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में इसका ओपन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर और पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर, ये तीनों पढ़ेंगे हम लोग। और तीनों का डायग्राम अगर आप देखोगे तो लगेगा कि ये याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो सिंपल तरीके से बताएंगे और उस कंडीशन में आप उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लिख सकते हो। और ग्लूकोज पर ही बेस्ड है फ्रुक्टोज भी, तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों को पढ़ना है हम लोग। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। अभी बताए कि ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी CHO होता है, और इसमें 6 कार्बन एटम है, तो इस 6 कार्बन एटम की वजह से इन्हें और क्या कहा जा सकता है, अल्डो हेक्सोज कहा जा सकता है। अब इनके प्रिपरेशन पर आते हैं। इनके प्रिपरेशन का 2 मेथड, एक लेबोरेटरी मेथड और दूसरा कॉमर्शियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड में वो इस्तेमाल करते हैं जो आसान है बनाना, और लेबोरेटरी में इनके बनाने के लिए हम लोग सुक्रोज यानी कि कॉमन शुगर, चीनी का इस्तेमाल करते हैं। सुक्रोज का फार्मूला हो गया C12H22O11। इनका हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर के प्रेजेंस से ब्रेक करेंगे, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है यानी कि यहाँ पर एसिड डालते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके हाइड्रोलिसिस से C6H12O6 प्लस C6H12O6 दो यूनिट बनता है। तो देखने से तो लग रहा है कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग है। एक यहाँ पर जो C6H12O6 है वो ग्लूकोज के लिए है, और दूसरा जो C6H12O6 है वो फ्रुक्टोज के लिए है। यानी कि सुक्रोज यानी कॉमन शुगर का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक करता है। अब ज़रा सोचो, इस मेथड से हम लोग मार्केट में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना करके ले आएंगे तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप ले रहे हैं क्या, चीनी, सुक्रोज जो कि इटसेल्फ खुद ही महंगा है, अब इनसे बनाएंगे तो और ज़्यादा महंगा होगा। और दूसरा ये मिक्सचर बनेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, तो फिर ग्लूकोज को अलग करना है, फ्रुक्टोज को अलग करना है, तो सेपरेशन में भी तो कॉस्टिंग जाएगा। तो इस वजह से ये आपका लेबोरेटरी मेथड है। कॉमर्शियल मेथड में हम लोग स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च याद करो, अभी हम लोग पढ़े हैं, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड से इसका मतलब ये हुआ कि ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मेशन करेंगे। पॉली यानी C6H10O5, ये इनके पॉलीमर्स हैं। यहाँ N लिखते हैं हम लोग, यह स्टार्च है। इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, N लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ N C6H12
यानी ये फॉर्मेशन किसका किया? देखो इक्वेशन बैलेंस है, कार्बन 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 10 एंड 2, कितना हो गया 12, ऑक्सीजन 5 एंड 1 6, ये बैलेंस हो गया। हुआ क्या, एक्चुअली सुक्रोज जो है वो बना ही होता है दो यूनिट से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, तो जो जिससे बिन कल के बना हुआ है तो जब टूटेगा तो उसी में टूटेगा। लेकिन स्टार्च, सेलुलोज, आगे जब हम लोग पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सिर्फ ग्लूकोज 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 यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो जब उसे हम लोग तोड़ेंगे तो फिर वो किसका फॉर्मेशन करेगा? सिर्फ ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। तो देख रहे हो आप, लिए सिंपल स्टार्च, स्टार्च जो प्लांट फूड का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो उनके बॉडी में स्टोर्ड होता है, वो स्टार्च हो गया, यानी इसका कॉस्ट कम हो गया। दूसरा, इनके हाइड्रोलिसिस से लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सिर्फ ग्लूकोज ही बन रहे हैं, फ्रुक्टोज भी नहीं बन रहा है, तो प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन का भी कॉस्टिंग जो है आपका बच गया। तो कॉमर्शियली इस मेथड से हम लोग स्टार्च से प्रिपरेशन करते हैं ग्लूकोज का। और इसके बाद में अब फिर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को। बाकी पूरे डिटेल से क्लास रेगुलर अटेंड कीजिएगा, नहीं तो फिर परेशानी बढ़ेगी। आप ये इक्वेशन वगैरह नोट कर लीजिए, तो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।